Assalamu alaikum. Welcome to the video series of Transfinity. My name is Mazathar and I'm licensed master practitioner of NLP and certified master hypnotist. Aaj hum jis topic ke bare mein baat karne ja rahe hain, that is read for speed. How you can read a book with minimum time and maximum learning. First of all, what you have to do, determine why you are reading and what exactly you want from this book. Aap koi bhi book padhne ja rahe hain, first of all, you have to define, you have to decide what is the purpose of reading this book. पर्पस की क्लैरिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, इससे होगा क्या? हमारा जो माइंड है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, वो ये है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट करता रहता है. तो क्लैरिटीज की वजह से होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आप से अगर मैं ये पूछूं कि 3 दिन पहले आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुके थे और आपके लेफ्ट साइड पर जो गाड़ी खड़ी थी उसका कलर क्या था, ऑब्वियसली जब आप वहाँ रुके थे तो आपको वो कलर याद होगा, आपने उस कलर को देखा होगा. बट नाउ आई एम आस्किंग कि आपको वो कलर याद है? ऑब्वियसली नहीं याद होगा. क्यों? क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके माइंड के लिए अननेसेसरी थी. सो जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड डिलीट करता रहता है, क्योंकि आपके राइट पे कौन सी गाड़ी थी, लेफ्ट पे कौन सी गाड़ी थी, मॉडल क्या था, कलर क्या था, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है. लिहाजा किसी भी बुक के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपकी अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है. आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, फर्ज कीजिए कि आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो 3 या 4 पेजेस में है और बुक का जो साइज़ है वो 150 पेजेस है. सो अगर आप पहली ही दफ़ा ये क्लैरिटी डेवलप कर लें कि वट इज़ योर पर्पज़ ऑफ रीडिंग दिस बुक, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रीड करते हुए उस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते हुए जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी आपके सामने ले आएगा. वट एवर यू फोकस, वो जल्दी आपके सामने एक्सपैंड हो जाएगा. और तीसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं उस किताब को पढ़ने से पहले, व्हेन यू विल यूज दिस इन्फॉर्मेशन. इससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की, जब आपने अपने माइंड को ये सिग्नल दे दिया कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज़ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली 2 चीज़ें एंकर हो गई. और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने की, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको वो पॉपअप दे देगा, वो रिकॉल दे देगा कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट स्टेप, क्लैरिटी डिवेलप कर ली, अगले स्टेप में आपने क्या करना है. जिस तरीके से एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, उसके बाद उस पर बाकी पेंट और डेकोरेशन और बाकी चीज़ें की जाती हैं, इसी तरीके से पहले आपने अपने माइंड में उस बुक को एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है. स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है, उस बुक के कवर को देखिए, उसके बैक फ्लैप को देखिए, उस बुक के जो लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स हैं उनको देखिए. अच्छा, उसके बाद पूरी बुक को आप एक दफ़ा गो थ्रू करें हेडिंग्स में, बुक की जितनी हेडिंग्स हैं. उसके बाद उस बुक के अंदर फर्ज कीजिए कोई कार्टून्स हैं, फिगर्स हैं, ग्राफिकल और जनरल लेआउट है, पूरा उस बुक का जो एक स्ट्रक्चर है, जैसे एक एक चैप्टर की हेडिंग, उसके बाद एक एक पैराग्राफ की हेडिंग, मतलब पूरा जैसे ग्रे स्ट्रक्चर आपने बनाना होता है, तो अपने माइंड में उस बुक का एक स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए. फर्ज कीजिए 10 चैप्टर हैं, तो 10 के 10 चैप्टर्स की हेडिंग, उसके बाद बुक को बंद करें, थोड़ा सा अपने माइंड में रिकॉल करें, उनकी लेबलिंग कर दें आप, या जिस तरीके से भी आप अपने माइंड में सेव करना चाहें. हम आइंदा आने वाली किसी वीडियो में बात करेंगे कि मेमोराइजेशन आपने किस तरीके से करनी है. सो यहाँ पर आप अभी इतना समझ लीजिए कि आपने एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है अपने माइंड में उस बुक का, और इस काम में तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. सो पहला काम क्या था, क्लैरिटी डेवलप कर ली, व्हाई यू आर रीडिंग दिस बुक. दूसरा काम क्या था, आपने उस बुक का एक स्ट्रक्चर बना लिया. स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो आपने थर्ड स्टेप करना है वो ये कि उस पूरी बुक को आपने स्कैन करना, स्कैन नॉट रीड. जिस तरह से एक बारकोड स्कैनर वो पूरी लाइन पूरे पेज को एट अ टाइम स्कैन करती हुई जाती है, बिल्कुल उसी तरह अपने अपनी आईज से एक बुक के पूरे पेज को स्कैन करना. स्कैनिंग में आपने क्या करना है, रीडिंग नहीं करनी है, किसी भी वर्ड को रीड नहीं करना. सिंपली अपनी आंखें पेज के ऊपर रखिए और उसके बाद एक एक लाइन को क्रॉस करते हुए पूरा पेज स्कैन कर लें, और पूरी बुक को एक एक पेज को एक एक लीफ को पलटते हुए इस तरीके से स्कैन कर लें. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका टाइम लगेगा वो 10 से 15 मिनट है. दिस इज़ द थर्ड प्रोसेस. पहला प्रोसेस क्लैरिटी डेवलप कर ली, फिर आपने उसके कंटेंट्स को और उसके चैप्टर्स को और उसकी हेडिंग को रीड करके स्ट्रक्चर बना लिया, और तीसरे स्टेप में आपने पूरी बुक को स्कैन कर लिया.
स्कैन करने के बाद जो फोर्थ स्टेप है दैट इज रीड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें उस चैप्टर की तकरीबन 50% समरी या एक मैक्सिमम क्लूज उस एक पैराग्राफ के अंदर शामिल होते हैं। सो रीड फर्स्ट पैराग्राफ और ईच चैप्टर एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ, यानी पहला पैराग्राफ आपने पूरा कंप्लीट रीड किया और उसके बाद आपने क्या किया कि जितने भी बाकी पैराग्राफ्स हैं उनकी पहली पहली लाइन पढ़ ली। एक चैप्टर से आप रीड करें, बुक को बंद करें और उसके बाद अपने माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करें कि किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ओके, और उसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप है स्पीड रीडिंग का, उसमें आपने क्या करना है, सेलेक्टिव रीडिंग। सेलेक्टिव रीडिंग का मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जब आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा और हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ी, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो गया कि जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो कहाँ थी और कहाँ नहीं थी। सो ऑटोमेटिकली जो अननेसेसरी पैराग्राफ्स होंगे, जो अननेसेसरी चैप्टर्स होंगे, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी, उसको आप ऑटोमेटिकली रिमूव करते जाएंगे और जिन पैराग्राफ्स को, जिस चैप्टर को, जिस इन्फॉर्मेशन को आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, आप दोबारा जाके उसमें रीड कर लेंगे। और ये जो सेलेक्टिव रीडिंग है इसमें तकरीबन 20-25 मिनट का टाइम लग सकता है आपको। और लास्ट जो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अवॉइड सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन क्या होती है, बहुत सारे लोग जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो जिस वर्ड को वो पढ़ रहे हैं उसको अपनी ज़बान पे भी दोहरा रहे होते हैं, यानी रीडिंग कर रहे हैं और साथ साथ ज़बान पे भी वो अल्फाज जारी होते हैं। सो इस तरीके से आपने नहीं करना। आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल मुंह में बेशक आप पेन रख लें या कोई और चीज़ रख लें कि सब वोकलाइजेशन ना हो, सिंपल आपने आइज से गो थ्रू करना है, आइज से रीड करना है। और आंखों से रीड करते हुए भी आपने एक और प्रैक्टिस जिसका ख्याल करना है वो ये है कि हम लोग एक वक्त में एक वर्ड को पिक कर रहे होते हैं, हम दोनों आंखों से एक वक्त में एक सेकंड में एक वर्ड को फोकस करके पढ़ रहे होते हैं। ट्राई टू रीड टू वर्ड्स एट अ टाइम, अपने चंक साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, एक वक्त में दो वर्ड्स को पिक करने की कोशिश कीजिए, एट अ टाइम दो दो वर्ड्स को चंक्स में पिक करके रीड करने की कोशिश कीजिए। और जब आपकी दो वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाए आप तीन वर्ड्स में जा सकते हैं, तीन की प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा, और इसी तरीके से आप अपना चंक साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक वक्त में आपने तेज़ी से दो दो तीन तीन चार चार वर्ड्स के जो चंक्स हैं उनको रीड करना है। इस प्रोसेस को करके देखिएगा, इन टेक्निक्स पे अमल करके देखिएगा। और मज़ीद इस हवाले से अगर आपको, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं नॉवेल्स वगैरह, वो आप इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, इस तरीके से सिर्फ वही किताबें पढ़ी जा सकती हैं जिनमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि इस तरीके से पूरी किताब आप एट अ टाइम शुरू करते हैं और एट अ टाइम ख़त्म करते हैं। सो बहुत सारी बुक्स हैं जो, जैसे कोर्स की बुक्स हैं वो इस तरीके से पढ़ी जा सकती हैं, जो नॉवेल्स वगैरह हैं या स्टोरी बुक्स हैं वो इस तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती, उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सो टेक्निक पे अमल कीजिएगा, आपको फ़ायदा हुआ तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आपको आने वाली हमारी बाकी वीडियोस मिल सकें। फेसबुक पेज पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे आने वाले जो लाइव प्रोग्राम्स हैं, लाइव सेशंस हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।